नमस्कार, मेरा नाम वाजपेयी और नई धारा संवाद की इस कड़ी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, नई धारा संवाद एक सिलसिला है हिंदी के बड़े अहम साहित्यकारों से बातचीत का, जिसमें हम साहित्यकारों से उनके साहित्य के बारे में तो बात करते ही हैं, खास बात यह है कि हम उनके साहित्य को, उनकी कविताओं को, उनके गद्यांश को उन्हीं की भाषा में, उन्हीं की जबान में सुनते भी हैं। तो इसी कड़ी में आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं नंदकिशोर आचार्य जी। नंदकिशोर आचार्य जी की प्रतिभा जो है बहुमुखी है और आज उनकी जो पहचान है वो एक सर्वाधिक विविधतापूर्ण लेखक के बतौर भी है। उन्होंने बहुत सारी विधाओं में लेखन किया है। 1945 में उनका जन्म हुआ और तमाम नाटक में, आलोचना में, कविता में, अनुवाद में, चिंतन में, तमाम क्षेत्रों में लेखन के वो अपना दखल रखते हैं। तमाम पुरस्कार हैं, साहित्य पुरस्कार है, मीरा पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार, भुवनेश्वर पुरस्कार और तमाम महत्व उनके द्वारा लिखे जा चुके हैं और वो उन लेखकों में से हैं जो बहुत जबरदस्त लेखन बड़ी ही व्यवस्थित ढंग से और लगातार लगन के साथ करते हैं। और हमारी खुशकिस्मती ये है कि नंदकिशोर आचार्य जी से बात करने का मौका आज नई धारा संवाद के जरिए से हमें मिल रहा है। तो आचार्य जी, आपका बहुत स्वागत है इस बातचीत में, नई धारा संवाद की इस कड़ी में। मैं आचार्य जी, मैं चूंकि जब से मैं आपको पढ़ता रहा या आपके बारे में सुनता रहा और आपके इंटरव्यू से गुजरने का जब मौका मिला, तो मेरे मन में एक बात तो हमेशा से थी कि आपने गालिब को बहुत किया है अपनी बातचीत में, अपने लेक्चर्स में। मैं ये जानना चाह रहा था कि गालिब ने आपको किस तरह से अपने असर में रखा और वो असर आपके लेखन में कहीं कैसे आया, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ सबसे पहले। गालिब वो पहले कवि हैं जिन्होंने मुझे मेरे विद्यार्थी काल में प्रभावित किया। मैं जब फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था उस समय हिंद पॉकेट बुक्स से एक सीरीज निकला करती थी शायरों की, तो उसमें एक दीवाने गालिब भी था, तो मैं खरीद के लाया उसको और शौक से यूं ही पढ़ने लगा। जब पढ़ने लगा तो बहुत ज़्यादा डुबाने लगे वो मुझे अपने अंदर। और मैं ये मानता हूँ कि उसके बाद अभी भी मैं नहीं कह सकता हूँ कि मैंने उनको पूरा समझ लिया, या कि अब भी जब कभी पढ़ता हूँ तो कुछ नयापन दिखाई दे जाता है, ये चीज़ पहले से ही समझ पाई थी अब आ रही है। लेकिन ये ज़रूर है कि मेरी मेरे लेखन पर जिन लोगों का प्रभाव पड़ा होगा मुझे लगता है उनमें गालिब शायद सर्वप्रमुख है। ये नहीं कि उन्होंने जो लिखा उसका प्रभाव पड़ा, जी क्योंकि मैं तो उर्दू में लिखता नहीं और शुरू में कुछ लिखा था शौकिया, लेकिन हिंदी का ही लेखक हूँ। लेकिन मुझे ये लगता है कि भाषा को कैसे बरतना चाहिए, एक एक शब्द का क्या महत्व हो सकता है, उसके विन्यास में कहाँ किस शब्द को उसके थोड़ा आगे पीछे करते ही कैसे सब चीज़ें बदल जाती हैं। तो इसलिए शब्द की जो महिमा है, शब्द की जो गरिमा है, शब्द की जो अर्थ गर्भिता है, और उसका सही सही स्थान पर उसका विनियोग जो है, मुझे लगता है कि शायद मैंने ये गालिब की गजलों से सीखा। तो गजल आप देखिए, शेर एक ऐसा ऐसी विधा है जिसमें एक दो पंक्तियों में पता नहीं आप कितनी कितनी चीजें महसूस करवा सकते हैं और कर सकते हैं और कह सकते हैं, समझ सकते हैं। तो वो तब संभव होता है जब आप शब्द की सारी मतलब उसके उसकी अर्थान्वेषण में जाएं, और वो गालिब करते हैं। और दूसरी बात मुझे ये लगती गालिब के बारे में, वो शायद केवल उर्दू के ही नहीं और शायद केवल भारतीय भाषाओं के ही नहीं, ये बहुत से मेरे मित्र उसमें कहते हैं तुम तो जरा अतिरेक पूर्ण बात करते हो, पर मुझे वो विश्व कविता में आधुनिक किस्म के किस्म, इसलिए कह रहा हूँ कि जो आधुनिकता का कॉन्सेप्ट वगैरह तो बाद में डेवलप होता है, लेकिन उसके उसके बीज अगर मुझे दिखाई देते हैं उस कविता में तो गालिब में दिखाई देते हैं। आप देखिए आत्मव्यंग्य जो गालिब में दिखाई देता है आपको, जी आत्मगौरव तो उर्दू में एक कॉमन चीज है, जी सब कवियों में दिखाई देता है, बाकी जी कवियों में भी दिखाई देता होगा, जी लेकिन आत्मव्यंग्य जो दिखाई देता है और उसके साथ में
एक आस्था अनास्था का द्वंद्व जो गालिब में दिखाई देता है, जो मैं समझता हूँ किसी भी आधुनिक लेखक में मिलेगा आपको, किसी बड़े को इस द्वंद्व में से हर लेखक को गुजरना होता है, खासतौर से जो कुछ आज हो रहा है दुनिया में और जो नई खोजें हो रही हैं, मनुष्य के अस्तित्व के जो सवाल नए उठ रहे हैं, उन सबके संदर्भ में मुझे ये लगता है कि गालिब उसके इतिहास में मैं जाने की कोशिश करूँ, इतिहास में नहीं कहना चाहिए उसकी परंपरा में जाने की कोशिश करूँ, तो गालिब मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रारंभिक कवियों में लगते हैं, इसलिए वो असर मुझे मुझ पर उनका उस अर्थ में भी रहा है। जी सर, कुछ कविताएं अगर आप जैसे सवालों के जवाब में अगर आप सुनाना चाहें तो आप सुनाते, और मैं गालिब और अज्ञेय जो कि दो ऐसे नाम हैं, अज्ञेय जी का भी नाम मैं अभी लेने वाला हूं, कि उनका भी आप पर असर रहा, बल्कि मैंने एक जगह तो आपको ये भी कहते सुना कि आप अब तक उनके असर में हैं। तो अज्ञेय जी तो हिंदी के ही लेखक थे और उनके करीब रहने का आपको बड़ा अवसर मिला, तो वहाँ हमें लगता है कि आप स्पष्टता रेखांकित भी कर पाएंगे कि आपके लेखन में कहाँ अज्ञेय का असर दिखता है या है, तो अगर उस पर कुछ बात करना चाहें तो वो बड़ा अच्छा हो जाएगा कि अज्ञेय जी से आपने किस तरह से रचनात्मक फैज हासिल किया। मैंने आपसे कहा कि मैं शायद अज्ञेय के विचारों से भी थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा होगा, मुझ पर अभी भी रहता ही होगा, लेकिन फिर मैं एक कवि के रूप में और एक एक सर्जक के रूप में, भाषा के एक सर्जक के रूप में जी। शब्द के एक महान शिल्पी हैं वो, और आप ये देखेंगे कि जो बात मैं गालिब के बारे में कह रहा हूँ शायद उतने बड़े लेवल पे नहीं, लेकिन एक दूसरे लेवल पर वो बात मैं अज्ञेय के बारे में भी कह सकता हूँ, और उनसे जो मैंने सीखा है वो वही शब्द को कैसे बरतना, शब्द के अंदर कैसे प्रवेश करना। देखिए कविता केवल आसपास जो हम देखते हैं उसी से नहीं बनती, वो तो बनती है, लेकिन स्वयं शब्द भी कविता का स्रोत होता है। एक शब्द में कितनी अनुभूतियां समाई हुई होती हैं, उस शब्द की कितनी अर्थ छायाएं होती हैं, उस शब्द की एक अपनी परंपरा होती है। आप जब उस शब्द में प्रवेश करते हैं तो कई चीजें आपके सामने स्पष्ट होती है अपने आत्म के बारे में। हमारी परंपरा में साहित्य के कई अर्थ निकाले गए, साहित्य का मतलब ये इसके साथ उसके साथ ये और वो सहित, लेकिन मैं ये मानता हूं कि आत्म और शब्द का जी सहित होना साहित्य है। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो और ये चीज मैं देखता हूं कि मैंने अज्ञेय में पाया, क्योंकि और शुरू से शायद वो दूसरे कवि हैं आपसे, बल्कि शुरू में मैं उनके गद्य से अधिक प्रभावित था, पढ़ा भी मैंने पहले उनके उपन्यास कहानियां वगैरह पढ़ी, कविता थोड़ी बाद में पढ़ी, पर जब कविता पढ़ने लगा तो मुझे उनका गद्य भी अलग तरीके से समझ में आया, उनके उपन्यास भी अलग तरीके से समझ में आए, जैसे आ पाए, नहीं कह सकता कि पूरे आए, और कविता के बारे में भी नहीं कह सकता, और वो इतना मेरे पर प्रभाव था उस जमाने के अंदर कि मैंने 23 साल की उम्र में उन पर एक किताब लिखी। और तब आप उनसे मिले भी नहीं थे मेरे ख्याल। नहीं, बिल्कुल नहीं मिला, बल्कि मैंने मिलने से मना किया था, मेरे कई मित्रों ने कहा कि तुम एक बार मिल लो उनसे, किताब लिख रहे हो, तो मैंने क्यों मिलूं, मुझे जो लेखक पसंद है और मैं जैसा समझ रहा हूँ वैसा लिख रहा हूँ, मिलने से हो सकता है कि कुछ और प्रभाव मुझ पर पड़े व्यक्तित्व का वगैरह। और दूसरा अज्ञेय के बारे में कहानियां बहुत प्रचलित थी, हम लोग छोटे शहर के रहने वाले थे और दिल्ली बिल्ली जाना, एक आध घूमने वूमने के लिए गए होंगे तो कोई लेखकों से मिलना होता नहीं था, पर जो कहानियां उनके बारे में प्रचलित थी वो तो बात नहीं करते हैं, आप मिलने जाओ तो आपको बरामदे में बिठा के पिछले दरवाजे से बाहर चले जाते हैं, बोलते नहीं है, मतलब इस तरह की। अच्छा, मैं माफ कीजिए, मैं भी बहुत एरोगेंट किस्म का आदमी हूँ, जब मैं मतलब मुझे अपने अहम पर, मुझे उस पर अपने स्वाभिमान पर कोई चोट पड़ता है, मेरे मित्र उसको एरोगेंस कहते हैं, तो मैं कहता है ठीक अगर ये एरोगेंस है तो मैं हूँ, लेकिन मैं उसको नहीं बर्दाश्त करता हूँ। तो मुझे लगा कि मैं जिस लेखक का इतना सम्मान करता हूँ, अगर उन्होंने ऐसा व्यवहार किया तो शायद मैं जिंदगी में उस लेखक का सम्मान नहीं कर पाऊंगा, तो प्रतिमा खंडित हो जाएगी वो फिर। हाँ, ये मेरे मन में एक आशंका थी, तो मैं नहीं गया, और वो किताब छप भी गई, वो समय अमेरिका चले गए थे कैलिफोर्निया और बर्कले में, फिर मैंने मेरा जो प्रकाशक था वो मेरा मित्र था, दरअसल प्रकाशक तो था वो, लेकिन मेरे हम कॉलेज में साथ साथ थे, मेरा बहुत घनिष्ठ पारिवारिक रिश्ता था उससे, तो उसने सूर्य प्रकाशन मंदिर जो उसका सूर्य प्रकाश उसका नाम था, तो उसने सूर्य प्रकाशन मंदिर प्रकाशन का नाम रख लिया, उसने वो किताब उनको वहाँ भिजवाई,
हवाई डाक से और मुझे कहा चिट्ठी लिख। तो मैंने कहा मैं क्या करना किताब, तो कि नहीं वो ले आए वो उन दो में अंतर्राष्ट्रीय जो लिफाफे विफाफे होते थे लेके आया और लिख। अब दोस्त था और हमारा दोस्ती के दबाव भी होते हैं, तो मैंने लिख दी भैया मैं भेज रहा हूँ आपकी राय जान के अच्छा लगेगा वगैरह इस तरह की। उसका जवाब नहीं आया बहुत दिन तक, तो मैंने उसे कहा देखो मैंने तुमसे कहा था मत लिखो, अपने लिखा लिया फिर ये झंझट खड़ा हो गया यार मेरे दिमाग में होने लगा है, चिट्ठी का जवाब नहीं दे रहे किताब भिजवाई कोई रिएक्ट नहीं कर रहे। लेकिन उसके बाद अचानक कुछ चार एक महीने बाद में उनकी एक चिट्ठी आई और उसमें था कि मैं पहले तो विलम्ब के लिए माफी चाहता हूँ कि मैंने इतना विलम्ब से उत्तर दे रहा हूँ, लेकिन उस समय मैं अपना काम समेट रहा था और फिर अब मैं समेट करके यूरोप की यात्रा पे निकला हूँ और एथेंस से वो चिट्ठी लिखी हुई कि अब मैं यहाँ आके कुछ दिन रह रहा हूँ, तो अब मैं मतलब आपकी किताब इस बीच मैंने पढ़ भी ली और साथ में रख ली थी और मैं यहाँ, तो फिर किताब के बारे में जो उन्होंने कहा वो एक अलग बात। फिर उन्होंने उसी में संकेत था कि मैं शायद राजस्थान में आऊँ भारत आने पर, तो कहीं आपसे भेंट होगी ऐसे आशा करता हूँ। मैं एक्चुअली जोधपुर विश्वविद्यालय का विद्यार्थी था जी, मैंने अपना एमए इतिहास में वहाँ से किया था और जोधपुर आता जाता रहता था, फिर वो आके यहाँ जोधपुर में यूनिवर्सिटी में आए पढ़ाने के लिए जी कंपेटिटिव लिटरेचर, और तो मैं गया तो उनसे मुलाकात वगैरह फिर वो बढ़ती चली। तो सर ये बताएं कि जब आप पहली बार उनसे मिले तो जो एक छाया आपके जहन में थी कि भाई ये ठीक से बात नहीं करते थोड़े सख्त हैं कड़क हैं, वो फिर कैसे बदली है वो पहली मुलाकात के एक्सपीरियंस? पहली मुलाकात में ही उलट गई। अच्छा, पहली ही मुलाकात में उलट गई, मतलब मुझे लगा क्या क्या लोग बोलते हैं क्या क्या करते हैं क्या क्या, मतलब ये ठीक है वो थोड़ा बोलते कम थे, मतलब ये स्वभाव का खेल था, लेकिन इतना स्नेह यंगर जनरेशन को देते थे, इतना प्रेम से बात करते थे, हंसी मजाक भी करते। मेरे पास तो उनके विनोद के भी बहुत से किस्से जो लोगों को शायद आश्चर्य होगा, एक आध लिखे भी मैंने कहीं पर। तो एक कुछ सुना भी दें अगर अगर आप किस्सा कोई। नहीं बिल्कुल मैं सुना देता हूँ, सुना देता हूँ। अब आप देखिए जोधपुर में एक कार्यक्रम हो रहा था उनका, उनका 73वां जन्मदिन था, तो निजाम साहब हमारे मित्र हैं और उर्दू के बड़े शायर हैं, तो वो भी उनके बड़े प्रशंसक हैं, तो उन्होंने कहा कि आप एक कार्यक्रम करते हैं जोधपुर, ठीक है। तो उनका कविता पाठ रखा गया था, अब क्योंकि जन्मदिन था उससे पहली शाम को कविता पाठ रखा गया जी। दूसरे दिन जहाँ वो ठहरे हुए थे हम लोग थोड़ा लेट पहुँचे, उससे पहले पता नहीं किस व्यक्ति ने उनके पैरों का माप कैसे लिया होगा और रातों रात जोधपुरी जूती जो होती बड़ी प्रसिद्ध होती है आप जानते हैं, वो बनवा करके बढ़िया चमड़े की और बड़ी सॉफ्ट, और सुबह सुबह उनको भेंट दे गया, गिफ्ट कर गया, मतलब जन्मदिन के अवसर पर जी। अब हम लोग वहाँ पहुँचे तो निजाम साहब ने कहा कि कल तो बहुत अच्छा रहा कार्यक्रम और लोगों को बहुत पसंद आया, तो आप देखिए अब उनका विनोद, तो उन्होंने उन जूतियों की तरफ इशारा किया कि तभी तो ये मिली है क्या बात क्या बात, तभी तो ये मिली है। अब आप देखिए ये मतलब एक तरह का मतलब ये कोई उम्मीद नहीं करेगा उनसे कोई ऐसी बात कही। हाँ भैया अच्छा लगा ज्यादा अच्छा लगा। चूंकि कम बोलते थे जैसा आपने बताया, तो जब बोलते थे तो वो बात बड़ी पैनी हो जाती थी। अब आप देखिए उनकी तारीफ कर किया, वो जूतियों की तरफ इशारा करके कह रहे कि तभी तो ये मिली है और उनकी क्या प्रसिद्धि थी या क्या उनकी लोकप्रियता थी, इसका भी अंदाजा लगता है कि उनका कोई प्रशंसक आया। नहीं वो बहुत थी, लोगों को पता नहीं, मैं सब समझता हूँ करीब 800-900 लोग होंगे उस हॉल में और करीब घंटे भर से ऊपर उनका कविता पाठ असाध्य बिना पूरी सुनाई थी उन्होंने वहां पर, क्या बात, और लोग बड़े शांति से धैर्य के साथ में सुनते। सर हम आपसे कुछ सुनना चाहेंगे, चलिए कोई कविता जो आपने इस बीच लिखी हो या मैंने एक्चुअली ये जब प्रोग्राम की बात हो रही थी तो मैंने सोचा कि कुछ कविताएं मैंने मेरी पूरी जो मेरी यात्रा है उसका थोड़ा थोड़ा जी जी बिल्कुल मिल जाए सुनने वालों को। तो शुरू में जो कुछ कविताएं लिखी थी वो फिर बीच के दौर में और फिर अभी इन दिनों में जो लिखी है ठीक है वो सभी मैं आपको जैसे कुछ चुनी हुई सुना देता जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। एक कविता जो बहुत किसी जमाने में शुरू शुरू में मेरी पहचान बनाने में जिसका बड़ा योगदान था ज्ञानोदय में छपी थी उस जमाने में, उसका शीर्षक है बांसुरी मोर पंख। जी
बुरा तो नहीं मानोगे यदि मुझे अब तुम्हारी बांसुरी बने रहना स्वीकार नहीं। यह नहीं कि मैं उपेक्षित हुआ, बल्कि अधरों पर तुम्हारे सदा सज्जित रहा, किंतु मेरा कब रहा संगीत हुआ जो मेरे ही रंध्र रंध्र से बहा। यह नहीं कि मैं उपेक्षित हुआ बल्कि अधरों पर तुम्हारे सदा सज्जित रहा, किंतु मेरा कब रहा संगीत वह जो मेरे ही रंध्र रंध्र से बहा, मुझसे तो अच्छी रही वह मोर पंख। मुझसे तो अच्छी रही वह मोर पंख जो तुम्हारे मुकुट पर चढ़ी और न भी चढ़ती, पर जिसका सौंदर्य उसका अपना था। क्या यह अंतर क्या कम है? कि तुम्हारा संगीत मेरी व्यवस्था है और मोर पंख का सौंदर्य तुम्हारी। क्या बुरा न मानना, अब मैं तुम्हारी बांसुरी नहीं रहा। क्या बात। दूसरी कविता उपकरण। जी। पत्थर क्या नींद से भी ज्यादा पारदर्शी होता है? जी। कि और भी साफ दिख जाता है उसमें तुम्हें अपना सपना, तुम जिसे उखेड़ने लगते हो, शिल्पी जो ठहरे। जी। पर क्या होता है उन टुकड़ों का जिन्हें तुम अपने उखेड़ने में पत्थर से उतार देते हो, और उस मूर्त का जो जैसी भी हो तुम्हारी ही पहचान होती है पत्थर की नहीं। उनमें क्या सशक्तता नहीं रहता होगा पत्थर का भी कोई क्षत विक्षत सपना अपना। हाँ, पत्थर तो उपकरण ठहरा, उसका अपना क्या सपना क्या? तो क्या वे जिनका अपना नहीं होता कुछ उपकरण हो जाते हैं? मूर्त करने को किसी और का सपना? ये कुछ कविताएं रेगिस्तान और जहां काम हो संदर्भ कई कविता लिखी गई, तो उन्हीं में से एक दो कविता और सुनाता हूँ। आत्मा के गर्भ में। चारों खूंट फैला तप रहा मरुथल, आवे की तरह भीतर ही भीतर क्या पकाना है? चारों खूंट फैला तप रहा मरुथल, आवे की तरह भीतर ही भीतर क्या पकाता है? बोलो तुम ही कुछ बोलो प्रजापति, मेरी आत्मा के गर्भ में क्या धर दिया पकने, मेरे ही पसार के चाक पर घड़कर। ये आवा कभी तो खोलो प्रजापति, मुझमें कभी तो होलो। क्या बस एक रेतीला सपाट है, न ऊंचाइयां हैं न गहराइयां, बस एक रेतीला सपाट है, दूर तक पसरा हुआ निश्चा है, तपता जपता नाम कोई, कहां तक उड़ता आबाद मरुथल में प्यासा कल्पता पाखी, ढूंढता छाया अपनी ही परछाई में, आ गिरता जलती रेत पर बेबस, तड़पता झुलस जाता है, सपना पल रहा था जो आंखों से निकल कर ढुलकने भी नहीं पाता, सूख जाता है, निसंग पसरा हुआ निश्चाय रेतीला सपाट तपता रहता है। सूखा नहीं है वह, वे समझते हैं तुम्हारा कोई अतीत नहीं है, ऐसे ही सूखे रहे हो तुम सदा, क्योंकि जिनका कोई भी अतीत रहा होता है वे सदा बिसूरते रहते हैं। हाँ, एक दुख वह भी होता है जो पत्थर कर देता है, लेकिन अंदर उबलता रहता है चश्मा और एक दिन फोड़ कर उसे निकल आता है। लेकिन तुम तो रेत हो, यानी जो भीतर ही भीतर हो सकता वह भी गया होगा सूख। नहीं सूखा नहीं है वह, नहीं तो यूं संजोए नहीं रहते अपनी जर्जर छाती में वे सारे जीवाश्म जो कभी दुनिया थे तुम्हारी। जब तक अपनी दुनिया की यादें दबी है मन में जीवाश्म से ही, तब तक दुख है। क्या बात।
जब तक अपनी दुनिया की यादें दबी हैं मन में, जीवाश्म से ही सही, तब तक दुख है इसलिए सपने भी। क्या बात, वाह। वह जितना गहरा है, वह जितना गहरा है चश्मा, उसी शिद्दत से कभी फूटेगा। क्रम बर्फ बाहर गिर रही है, बर्फ बाहर गिर रही है, यह अलाव भी बुझ चला सा है। एक अधजली लकड़ी से मैं झाड़ता हूँ राख, बुझ रही लकड़ियों को नए क्रम में पुनः चुनता हूँ। फूंक से जगाता हूँ आग सोई हुई, एक धीमा ताप सब पर व्याप जाता है, मीठा और उदास। बर्फ बाहर गिर रही होगी। छोटी सी कविता खंडहर पर हरियाली जी। यूं ही आ गई थी तुम, यूं ही आ गई थी तुम, खंडहर पर हरियाली आ जाए बरसात में जैसे। इसलिए लौट ही जाना था तुमको, और खंडहर करती हुई मुझे। क्या बात है, वाह, क्या बहुत सुंदर। तब भी क्या तालियां बजती, ये अभिनय को लेकर के कुछ जी में रहा था कुछ दिन, तो कुछ कविताएं लिखी गई। तब भी क्या तालियां बजती, अभिभूत थे सभी अभिनय पर मेरे, तालियों की गड़गड़ाहट थी अनवरत नाटक खत्म होने पर, और मैं शर्म से गड़ा जा रहा था। नहीं, किसी संकोच में नहीं, किंतु सोचता हुआ क्या ये तालियां कुछ जान पाई हैं? वह घृणा, वह लोलुपता और करुणा के नीचे खौलती हुआ महत्वाकांक्षा, वह फरेब जो मैं हूं। अपने अभिनय में पहचानता खुद को, उनके लिए जो अभिनय है मेरा, सच है मेरे लिए। काश उनके लिए वह उनका सच होता, काश उनके लिए वह उनका सच होता, देख पाते अभिनय में मेरे खुद को अभिनय करते हुए। तब भी क्या तालियां बजती अनवर, या सबके ही सर शर्म से गड़ रहे होते। कुछ भी तो नहीं जी, कुछ भी तो नहीं ठीक से हुआ, न बचपना न समझदारी, न दोस्ती न दुश्मनी, न प्रेम न परिवार, न तंदुरुस्ती न बीमारी, न हंसना न रोना, न नींद न जागना, न रेंगना न तनकर खड़े रह पाना। कविता भी नहीं, न कामदी हुआ न त्रासदी ठीक से जीवन, इसलिए डरता हूं ठीक से मरूंगा तो ना। क्या बात है, वे लेते हैं प्रतिशोध जी। शब्द मेरे मुखौटे हैं जिनमें अपने को छुपाता हूं मैं, शब्द मेरे मुखौटे हैं जिनमें अपने को छुपाता हूं मैं, अपनी लिप्सा, महत्वाकांक्षा, बक्कारी, फरेब और घृणा, भय अपना। कितनी मदद की है शब्दों ने मेरी, कितनी मदद की है शब्दों ने मेरी, उनका धन्यवाद करता जब अपनी ओर मुड़ता हूं, पाता हूं बस खोखल, जिसको छुपाता खुद मुखौटा बन गया हूं मैं। बेचारे नहीं होते शब्द, बेचारे नहीं होते शब्द, वे लेते हैं प्रतिशोध, शब्दों को जैसा बरतते हो तुम, वे तुमको जैसा बरत लेते हैं। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, क्या बात है सर। ये कुछ सवाल हम पूछ लें, उसके बाद फिर दूसरा दूसरे हिस्से में आप हाँ जरूर जरूर सुन लेंगे। मैं सर ये जानना चाह रहा था कि चूंकि आपने इतनी विधाओं में लिखा है, अभी पिछले दिनों मतलब जो पिछला काम अहिंसा विश्वकोश, जिसकी बड़ी चर्चा हुई, और वो एक ऐसा काम है कि हैरानी के साथ मतलब उसे कोई भी पढ़ने वाला देखता है, कि जिस तरह से आपने जो मेहनत की है। मैं ये जानना चाह रहा था कि किस विधा में आप सर्वाधिक सहज होते हैं, और हर विधा की मोटिवेशन क्या आपके लिए अलग होती है, या एक
एक कॉमन मोटिवेशन है रचनात्मक कर्म की, क्रिएटिव राइटिंग की, वो है अलग अलग विधाओं के लिए? एक तो जिस समय जिस विधा में लिख रहा होता हूं जी, उस समय मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ विधा वही होती है। उस समय बाकी सारे लेखन का भी कहीं असर रहता ही है क्योंकि व्यक्तित्व तो एक ही है जी, लेकिन उस समय पूरी तरह से मैं उसी में कंसंट्रेट होता हूं। और इसलिए ये कहना कि मैं, वैसे इच्छा मेरी होती है कि मैं ये कहूं कि मैं अपने को पहले कवि मानता हूं और वो जो संवेदना है कविता की वो शायद सब जगह मौजूद है, मतलब वैचारिक चिंतन में जो उसकी भाषा चाहे संवेदनात्मक ना हो पर कहीं वो मूल्य संवेदन वहां पर भी उपस्थित रहता है। और बाकी मैं ये मानता हूं कि मेरी जो तलाश है ओवरऑल, क्योंकि जीवन की तलाश आप किसी एक विधा में पूरी नहीं कर सकते, इतना वैविध्यपूर्ण जीवन है, इतनी गहराई के इतने आयाम है उसके अंदर, अपने जीवन में, समाज के जीवन में, जो कुछ हमारा सारा परिवेश है उसमें, उसको किसी एक विधा में, किसी एक कविता में, किसी एक नाटक में, किसी एक उपन्यास में ला पाना, वो तो कोई महाभारत जैसा ग्रंथ लिखा जाए तभी संभव होता है। रामायण भी नहीं कह रहा हूं, महाभारत जैसे ग्रंथ भी, अन्यथा वो संभव नहीं। तो वो शायद उतना समर्थ में नहीं हूं कि वैसा ग्रंथ लिख सकूं, तो व्यास ही लिख सकते थे। मैं व्यासों का दामाद तो हूं पर आचार्य हूं, वो काम नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे महात्मा गांधी कहते हैं कि सत्य के अनंत रूप हैं जी, तो जीवन में जो सत्य व्यंजित होता है उसके भी उतने ही अनंत रूप हैं। और उन अनंत रूपों की पहचान के लिए, उनका उनके एहसास के लिए आपको कई तरह से उसको घेरना पड़ता है, उसकी अर्थ छाएं, उसके विभिन्न रूप, उसके आयाम अलग अलग तरीके से दिखाई देते हैं। तो इसलिए हर विधा का महत्व औचित्य इसी बात में है, विधाएं क्यों बनी अलग, क्या जरूरत है, सभी तो क्रिएटिव है जी। इसलिए बनी है क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप सिर्फ उसी तरह पा सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी आप दूसरी तरह से पा सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी जो उनको मिला जुला करके पा सकते हैं। तो इसलिए विधाओं का जो विभाजन है वो आत्यंतिक नहीं है, लेकिन वो वैशिष्ट उसका जरूर है। तो उस वैशिष्ट से, जो उस विधा से जो आप पाते हैं वो आप अन्य किसी विधा से नहीं पा सकते, अन्य किसी कलाकृति से भी नहीं पा सकते। सभी कलाएं यही काम करती हैं, कविता और साहित्य ही क्यों, बाकी कलाएं भी यही काम करती हैं, लेकिन उनसे आप जो पाते हैं वो बिल्कुल उसी, वो प्रतिविशिष्ट है उस विधा से, उसी में पाया जा सकता है, दूसरी विधा से वो नहीं पाया जा सकता है। तो अगर मुझे सत्य की तलाश करनी है या मेरे मन में कुछ जानने की आकांक्षा है तो मैं, और अगर वैसा मैं कर पाता हूँ, जैसे उपन्यास में नहीं लिख पाता तो नहीं लिख पाया, एक उपन्यास मैं मानता हूँ केवल जीवन कथा होके रहेगी, उपन्यास औपन्यासिकता वाला नहीं बना मामला उसमें, वो मैं जब पढ़ रहा था मैं उस समय लिखा था जी। तो आपने ट्राई किया सर दोबारा उपन्यास की विधा? मेरे मन में बहुत है हिमांशु जी, लेकिन एक तो समय का अभाव है, दूसरा मुझे लगता है जो लिखा ही जा रहा है रोज जिस तरह की कथाओं को लेकर लिख रहा है उसको क्या फायदा लिखने से, जब तक मेरा अपना कुछ अनुभव उसमें ना उस तरह से आए। खैर, तो बाकी सब कहानी उपन्यास दोनों में मान लीजिए, कहानियां भी मैंने नहीं लिखी, एक दो लिखी थी शुरू में, लेकिन नाटक जरूर लिखे, वो नाटक कहानी उपन्यास दोनों के ही सम्मिलित रूप मान लीजिए, कृषि उसमें कथा भी होती है उसमें जी जी जी। और लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक कविता को आप उसका नाट्य रूप भी कर सकते हैं जी। पर वो बिल्कुल अलग होगा। मैं आपसे कभी करके देखिए कि अगर एक नाटक हो रहा है किसी बड़े हॉल में जी, और आप उसको आगे बैठ के देख रहे हैं बीच में बैठ कर, और उसी नाटक को उसके दूसरे शो में कोई पीछे बैठ के कॉर्नर में बैठ के देखिए, तो ठीक है नाटक वही है, अभिनेता वही है, लगभग सब कुछ वही है, फिर भी उन दोनों को देखने का अनुभव अलग है, सही, क्योंकि आपका एंगल बदल गया देखने का। तो ये जो आपका एंगल बदलता है वो अलग अलग विधाओं के भी अपने एंगल होते हैं चीजों को देखने के, समझने के, तो वो इसलिए मैं
चिंतन में भी यही लगता है मुझे, चिंतन भी एक तरह से आखिर क्या करता है, दर्शन क्या करता है, वो भी तो वही जानने की कोशिश करता है, वो उसका तरीका भिन्न है। तो मेरे को ये लगता है कि जितने जितने विषयों में मेरी रुचि रही है और थोड़ा बहुत जितना जान पाया हूँ, मतलब समझिए कि मतलब वो जैसे जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहते हैं, कुछ वैसा मामला हो जाता है, मास्टर ऑफ नन वो मैं हूँ, मास्टर में नहीं करें, लेकिन वो चीज़ें जानने की कोशिश अलग अलग तरीके से करता हूँ, तो उस कारण से लिखा जाता है। तो इसलिए लेकिन जब मैं उस काम को कर रहा होता हूँ उस समय मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ काम वही, मैं उसको सेकेंडरी काम लगता। मुझे ये बताएं सर कि आपने इतना महत्वपूर्ण काम किया अहिंसा विश्वकोश का, अभी आप जो अभी काम कर रहे हैं उसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे, वो भी बहुत महत्वपूर्ण काम है, लेकिन इससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ जिस दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं दुनिया भर में एक अलग किस्म की आक्रामकता, चाहे वो विचारों की हो, चाहे व्यवहार की हो, चाहे अलग तरह से राजनीतिक चीज़ों की हो, वो आ रही है या बढ़ रही है या नहीं भी बढ़ रही है, अगर उसको हम यथास्थिति के तौर पर भी देखें तब भी वो विद्यमान है। उस स्थिति में इतना महत्वपूर्ण काम जिसमें इतना वक्त आपने दिया होगा, उसको करते वक्त आप किस तरह से दुनिया को देख रहे थे, आपको क्या लगता है? मैं मानता हूँ कि देखिए मैं कई बार मित्रों से बातचीत में और अन्यत्र भी अपनी बातचीत में और लोगों में भी मैंने ये उदाहरण दिया है कि बीमारी अगर है कोई जी, तो उसके लिए प्रासंगिक क्या है, बीमार बने रहना या उसका उपचार ढूंढना। मैं मानता हूं कि दुनिया में बहुत हिंसा है रही है और अभी, और हिंसा खाली कोई मारपीट ही नहीं होती है, हिंसा के बहुत आयाम है, हमारे सारे समाज की संरचना में हिंसा है, हमारे बिलीफ सिस्टम में हिंसा है, कुछ हिंसाओं का हम उचित मानते हैं, बिलीफ सिस्टम में वो कहता है कि हाँ ये तो ठीक है, इसमें क्या बुरा है, तो ये जो वो सांस्कृतिक हिंसा है, कुछ हिंसा प्रत्यक्ष है कुछ हिंसा अप्रत्यक्ष है, तो ये सब जगह परिवार तक में, परिवार के ढांचे तक में होती है जी। तो सवाल इस बात का उठता है कि अगर ये लेकिन है तो बीमारी ना, हिंसा एक मनोरोग है जी, तो अगर कोई मनोरोगग्रस्त व्यक्ति है तो आप क्या करेंगे, उसका इलाज करने का, उसका उपचार करवाने का प्रयत्न करेंगे, उसके उपाय सुझाने की कोशिश करेंगे या उसको बढ़ाने, भाई अभी ऐसा होता अब कुछ नहीं हो सकता। तो मैं ये मानता हूं कि एक हिंसक हो रहे समाज में उसके उपचार की तलाश ही सबसे अधिक प्रासंगिक है। क्या बात, जो हिंसा का जिक्र करने से प्रासंगिक नहीं होता, वो भी करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है, आपको डायग्नोसिस करना पड़ता है भी क्यों है, किस कारणों से, लेकिन जब तक उन कारणों को आप मिटाते नहीं हैं या उसका रास्ता नहीं सुझाते, जैसे बुद्ध सुझाते हैं जी, कभी दुख है तो उसको मिटाने का रास्ता ही है, उसको मिटाओगे तो दुख मिट जाएगा, कारण रहेगा तो नहीं मिटेगा, तो कारण का निवारण करना जरूरी है। तो ये जो हिंसक मानसिकता है जो समाज की अलग अलग रूपों में हमें दिखाई देती है, अर्थव्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में, पारिवारिक सामाजिक व्यवस्था में, नस्लवाद में, टेररिज्म में, तो ये जो जितनी युद्धों में जी, ये जो दिखाई देती है सारी हिंसा, ये है तो एक हिंसक मानसिकता की पैदाइश जी, उसके विविध रूप है और वो मानसिकता कहीं मनुष्य के मन में विकसित हो रही है, तो उसकी उसका विश्लेषण करना और उसको उसके उपचार की बात करना। तो हिंसा का उपचार क्या हो सकता है, प्रेम, अहिंसा। आपकी ये बात उन लोगों के लिए बहुत उम्मीद की किरण है जो मायूस हो चुके हैं, मायूस होने लगते हैं। जो सवाल मैंने आपसे इसलिए भी पूछा था कि मैं खुद ये सोच रहा था कि जिस दौर में इतनी हिंसा है उसमें इतना बड़ा काम करने की क्या मोटिवेशन रही होगी कि मतलब ये तलाश रही। और दूसरा मैं बताऊं आपको, मैं ये भी नहीं मानता हूं कि अगर मैं इतिहास को देखूं जी, तो कम से कम अब ये समय आ गया है कि विश्व जनमत जो है वो हिंसा के पक्ष में नहीं। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, अभी भी युद्ध होते हैं, अभी अब हम देखा भी जो कुछ हुआ वो भी सब जगह होते हैं, लेकिन अब कोई ये नहीं कहता है कि मैं ताकत पर हूं इसलिए युद्ध करूंगा। इसी जमाने में बादशाह लोग, सम्राट लोग युद्ध करते थे, नहीं हम ताकतवर हैं, हमारा बल है तो तुम हमारे अधीन आओ,
और नहीं तो हम जबरदस्ती लेंगे, तो अपने सारे साम्राज्य वैसे ही बने, इसी मानसिकता से बने। आज दुनिया का सबसे ताकतवर देश भी ये नहीं कहता, करता वही है, पर वो ये कहने की हिम्मत नहीं, वो कहता ये रक्षात्मक है, ये हमारा दोस्त नहीं है, ये उसका दोस्त है, उसकी गलती से हुआ है, हमारी इसमें कोई गलती नहीं। क्यों कह रहा है भाई? क्योंकि विश्व जनमत हिंसा के पक्ष में नहीं है, तो उसको भी ऐसे ही बना होगा, ऐसे ही कामों से बना होगा जैसे आपने जो, तो इस तरीके से धीमे 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 मनुष्य के मन में एक आकर्षण अहिंसा का भी पैदा हुआ है, उसका महत्व भी उसके समझ में आया है, चाहे उसके रूपों को अभी नहीं समझ पाया हो। लेकिन मैं अगर इतिहास की व्याख्या करूं, न्याय में देखिए आप, किसी समय में आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत होता था, यही न्याय था। आज हम बात ही नहीं करते उसकी, आज हम जेल को सुधार गृह कहने लगे, करते नहीं है, जेल में वही होता है अभी भी। लेकिन अब हम हमारे सोचने में नहीं, ये होना चाहिए, ये करो, ये करो, वो करो, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। तो एक प्रकार से ये जो मानसिकता में परिवर्तन है, ये इतिहास की पूरी प्रक्रिया में से निकल के आता है, क्योंकि एक दो लोगों में नहीं हुआ ये, वो तो पहले ही बुद्ध और महावीर सब ने किया ही था, ईशा ने। अब ये धीमे धीमे सब जगह लोगों के मन में आ रहा है, वो पुष्ट हो, वो जो उनकी मानसिकता है, जो उनकी विचार की प्रवृत्ति है, ये पुष्ट हो और उसको एक वैज्ञानिक आधार मिले। क्योंकि हमारे यहाँ हिंसा को वैज्ञानिक मान लेते हैं दुर्भाग्य से, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि वो केवल अहिंसा जो है वो केवल नैतिक उपदेश नहीं है, वो जीवन का नियम है, लॉ ऑफ लाइफ है, जैसे लॉ ऑफ नेचर होता है ना, वैसे लॉ ऑफ लाइफ है, क्योंकि उसके बिना जिंदगी नहीं चल सकती है। और अगर वो लॉ ऑफ लाइफ है, तो जैसे एक लॉ ऑफ हेल्थ होता है, आपको स्वस्थ रहना है तो आपको इन नियमों का पालन करना है, करते नहीं है हम, सभी उल्लंघन करते हैं उनका, पर हम ये नहीं कह सकते कि स्वास्थ्य का नियम ये है कि हम ये उल्लंघन करें, नियम तो वही है, और कोशिश करें कि उसी को फॉलो करें। तो उसी तरह से जीवन को स्वस्थ रखने का, जीवन के एकत्व का, जीवन मात्र के का नियम, मतलब गांधी जी उसको अहिंसा कहते हैं, कुछ लोग उसको प्रेम कहते हैं, वो अहिंसा प्रेम शब्द के क्योंकि और भी कई अर्थ हो जाते हैं हमारी भाषा में और अंग्रेजी में तो बहुत हो जाते हैं, तो वो एक प्रकार से गांधी जी से बचने के लिए फिर वो कहते हैं भैया अहिंसा, बाकी तो प्रेम ही है। तो ये जो भाव है ये पुष्ट होना चाहिए। अब जितनी चैरिटी लोग आज करते हैं, पर्सनल तो हो सकता है अब कम करते हो, लेकिन संस्थाओं को करते हैं, जितने दुनिया में कहीं भी कुछ घटित होता है तो हम चिंतित हो जाते हैं बैठे हुए, अफगानिस्तान में कुछ हो रहा है हम क्यों चिंतित हो रहे हैं, तूफान आ गया, कहीं महामारी हो गई, कहीं कुछ हो गया, तो सामान्य आदमी चिंतित होता है न्यूज देख करके, भाई यार क्या हो रहा है, देखो वहां कितना बुरा हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, उससे कोई रिलेशन उसका रिश्ता ही नहीं है, पर रिश्ता है, क्योंकि वो भी मनुष्य है, वहां भी जो हो रहा है वो मनुष्य के साथ हो रहा है, वो भी जीवन का एक रूप है, और वहां जो कुछ हो रहा है वो जीवन के साथ हो रहा है। पशु पक्षियों तक के लिए हम करते हैं, टाइगर्स कम नहीं होनी चाहिए, उनको बचाओ, क्यों भाई, खाएगा वो तो आपको, पर नहीं, वो जीवन का एक रूप है। तो इसलिए जीवन के जितने रूप हैं उनकी सुरक्षा, आजकल बड़ी चिंता होती है, आप देखते हैं जीवन वैविध्य की, वैविध्य कम हो रहा है, जीव मर रहे हैं, ये पूरी की पूरी प्रजातियां जीवों की नष्ट हो रही, क्यों चिंता करें, कबूतर नष्ट हो गए तो आपको क्या गया, सही। पर नहीं, वो जीवन का रूप है और मनुष्य भी जीवन का रूप है, और मनुष्य क्योंकि अगर हम ये मानते हैं कि मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ रूप है तो उसका उत्तरदायित्व भी सबसे अधिक है, उसका अधिकार नहीं, दुर्भाग्य से ये हो गया कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है इसलिए उसको दूसरों को शोषण करने का, दमन करने का, उनको इस्तेमाल करने का अधिकार है, जबकि होना ये चाहिए कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है इसलिए वो सबसे अधिक उत्तरदायी है, वो सबसे अधिक विचारशील है इसलिए वो सबसे अधिक उत्तरदायी है। तो ये उत्तरदायित्व का बोध पैदा हो, क्योंकि यही इलाज है। सर एक सवाल मैं पूछूंगा, उसके बाद फिर आप कविताएं जो कुछ, जैसे मैंने आपसे, मैं सुनना चाहता था तो जो अभी आपने कोरोना के दौर में कुछ कविताएं लिखी वो उसके बाद फिर हम ऑडियंस के भी सवाल लेंगे। ऑडियंस जो हमें सुन रहे हैं वो अपने सवाल आचार्य जी के लिए भेज सकते हैं, मैं आखिरी 10 मिनट में पूछूंगा। मुझे ये बताएं सर कि चूंकि गांधी जी की बात आई थी और गांधी जी हमारे यहाँ नोटों पर भी हैं, उनके नाम पर कई संस्थान भी हैं, हम गांधी जयंती मनाते हैं, लेकिन जो हमारे समाज की जो जैसे कि बात पहले भी हुई हिंसा जिस तरह से बढ़ी,
तो आपको क्या लगता है कि गांधी के विचारों कुछ समझा पाए क्या हम इतने सालों में आजादी के, क्या वो गांधी जी की जो दृष्टि थी वो कहीं जा पाई समाज में वो संवेदना, या आप एक चिंतक के तौर पर गांधी की उपस्थिति को कैसे देखते हैं इस समाज में? नहीं देखिए, एक तो है गांधी का व्यक्तित्व, जो काम उन्होंने किया, जो इतिहास में उनका भूमिका है और जो प्रभाव था उनका, वो उनके वो व्यक्तित्व है। लेकिन विचार तो हमेशा जिंदा रहते हैं, और गांधी के विचारों को मैं ये मानता हूँ कि आज सबसे अधिक प्रासंगिक अगर कोई है विचारकों में तो गांधी। देखा भी अभी बहुत लंबा विषय हो जाएगा, मैं बोलूंगा तो एक घंटे भर का व्याख्यान मिनिमम हो जाएगा, इसलिए मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। लेकिन मैंने बहुत लिखा है उनके बारे में भी, और अहिंसा प्रेम जो मेरा काम है वो गांधी से प्रभावित होकर ही है, शुरुआत तो वहीं से होती है, बचपन से ही मैं उनसे भी प्रभावित रहा हूँ। मतलब जिन कवियों से लेखों से रहा उनके अलावा जिन लोगों से रहा हूँ उनमें गांधी सबसे प्रमुख थे, तो एक प्रकार से। लेकिन मुझे ये लगता है कि हमें गांधी को आधुनिक मुहावरे में भी समझाने की आवश्यकता है। वो काम करने की कोशिश मैं करता हूँ, वो अहिंसा कोष में भी की है, अभी जो काम कर रहा हूँ उसमें भी काम कर रहे हैं सर, उसके बारे में बता दें जो अभी आप जो कोष। हाँ, अभी एक्चुअली मैं ग्रंथमाला संपादित कर रहा हूँ, उसका नाम है अहिंसा शांति ग्रंथमाला, जो प्राकृत भारतीय अकेडमी जयपुर की जो संस्था है उनके लिए कर रहा हूँ वो काम, उन्हीं के लिए अहिंसा कोष भी तैयार किया था। और उसमें हमारी योजना ये है कि अहिंसा के और हिंसा के भी जो विभिन्न रूप हैं जो उनको एनालिसिस किया जाए। जैसे अभी किताबें जो हमने निकाली हैं उनमें सांस्कृतिक हिंसा पर भी किताब निकाली है कि ये कैसे होती है, क्या होती है, इसी प्रकार से प्रेम क्या होता है इस पर भी निकाली है, इसी प्रकार से गांधी के विश्व जो दूसरे चिंतक हैं उनके साथ उनका कंपेरेटिव स्टडी अमिकादा शर्मा ने किया है सनातन गांधी के नाम से, वो भी 15-16 किताबें आ गई इस तरह की। कुछ अनुवाद भी किए हैं जो मैंने ही किए ज़्यादातर वो तो, और उसमें सोलोव्योव का एक बहुत पुराना, सोलोव्योव उन चिंतकों में जिन्होंने टॉल्स्टॉय को प्रभावित किया था। अभी एक अनुवाद मैंने किया है, इसका जिक्र जरूर करना चाहूँगा चाहे तो। एक 16वीं शताब्दी में फ्रांस के एक विचारक हुए जी, बोइसी जी। अब बोइसी ने एक किताब लिखी डिस्कोर्स ऑन वॉलंटरी सर्विट्यूड, स्वैच्छिक व्यवस्था पर एक निबंध, और उन्होंने भी उसमें अहिंसक प्रतिरोध की बात की है। उनका असर टॉलस्टॉय पे था, सोरोकिन पे था, उनका असर गांधी पे, नाम नहीं लिया गांधी के बारे, अगर टॉलस्टॉय से प्रभावित हैं वो थोरो से प्रभावित हैं। एमर्सन ने बोइसी पे कविता लिखी है, उनका मैंने अनुवाद किया है स्वैच्छिक दास्ता के नाम से, जो प्रेस में है 2-4 महीने में आ जाएगा सर, और एक लंबी भूमिका भी उस पर लिखी है। तो मैं ये कह रहा हूँ इस तरह की किताबें हम उसमें प्रकाशित कर रहे हैं, कुछ हो गई हैं कुछ हो रही हैं, और मेरा ख्याल है इस महीने के आखिर तक लगभग 25 किताबें तैयार हो चुकी होंगी अगर प्रेस निकाल देता है उनको तो। और अभी योजना 50 किताबों की है, कितनी कर पाता हूँ 3 साल का लिए मैंने ये काम एक्सेप्ट किया था, उसमें कितना मैं कर पाता हूँ सर। मैं अपना लालच नहीं समेट पा रहा हूँ एक सवाल पूछने का, इतना काम, इतनी किताबें और इतना लगन वाला, मतलब ये आसान ये भी काम नहीं, मतलब ऐसा काम कि जो एकेडमिक काम है, कैसे कर पाते हैं? मतलब ये क्या इंस्पिरेशन है या कितना डिसिप्लिन फॉलो कैसे कर पाते हैं, उसकी क्या उसका राज थोड़ा? एक तो थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का सवाल होता है इसमें, क्योंकि मैं सिवाय इसके कुछ करता ही नहीं। अच्छा, मैं परिवार के दायित्वों से पहले मेरे भाई वगैरह ने मुक्त कर रखा था, बीच में थोड़ी ट्रेजेडीज हुई तो उसमें कुछ 2-4 साल मेरे को लगना पड़ा उसमें, अब सब बच्चों ने कर रखा है, जिसमें चंद्र भी एक है आपका मित्र, और सब ने कर रखा है। लेकिन ये मतलब तो अब मैं उधर से मुक्त हूँ, तो मैंने जीवन भर पढ़ने लिखने के अलावा कुछ नहीं किया, और कुछ आता भी नहीं मुझे। कैसी दिनचर्या रहती है सर आपकी, ये रचनात्मक दिनचर्या कैसी रहती है? नहीं, मैं तो देखिए सुबह 5-5:30 बजे उठ जाता हूँ, 8-5 घंटे वॉक के लिए जाता हूँ जी, फिर आकर के चाय वाय पीता हूँ, चाय वाय पीते हुए पढ़ता रहता हूँ, कभी कुछ सुनता रहता हूँ, म्यूजिक वगैरह भी सुनता हूँ कभी कभी, कभी टीवी वगैरह देख लेता हूँ न्यूज में, लेकिन पढ़ता जरूर रहता हूँ कोई ना कोई किताब, और उस पर सोचता रहता हूँ। फिर ऑफिस में जाता हूँ, वहाँ बैठ के ये अहिंसा का शांति ग्रंथ माला का कोई काम आया तो एडिट करता हूँ, अपना कुछ अनुवाद वगैरह करता हूँ। ये शाम को भी 8-5 घंटे घूमने जाता हूँ,
फिर अपने कमरे में हूँ, कोई मित्र आ गए या मैं कहीं चला गया थोड़ी देर के लिए तो गपशप हो गई। अब यहाँ जयपुर में ज़्यादा मित्र तो है नहीं, दो चार हैं तो कभी कभी मिल जाते हैं, या कोई बाहर से आ गया तो उससे एक शाम उसके साथ गुजर जाती है। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया, इसके अलावा मुझे और कुछ आता नहीं, तो फिर काम हो जाता है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि जब काम कर रहा होता हूँ तो उसी में लग, मतलब ये भी आपको आश्चर्य होगा कि मैं एक नाटक और एक चिंतन का काम लिखने का साथ साथ कर पाता हूँ। अच्छा, क्योंकि जब वो कर रहा होता हूँ दिमाग की ऐसी एक ट्रेनिंग हो गई है, उसी में जितनी देर रहता हूँ उसी में रहता हूँ। अच्छा। और आपको आश्चर्य होगा जानकर के सारे नाटक मैंने 3-4 दिनों में लिखे। क्या बात। हर नाटक को लिखने में, सोचने में समय लगता होगा, लिखने में उसका जो रूप आता है वो 3-4 दिनों में आया सब, सारे नाटक। क्या बात। क्योंकि इतना कंसंट्रेशन हो जाता है जी। नहीं आप मतलब आप जब तक उसमें एक मेक नहीं हो गए तब तक नहीं निकलती चीज, वो चिंतन हो, कविता हो, चाहे कुछ भी नाटक हो, कुछ भी। सर वो कोरोना के वक्त में जो, जब अप्रैल के महीने में जब बहुत ज्यादा विभीषिका थी, तो वो कविताएं जो आपने लिखी वो अगर आप सुना दें तो। मैं बिल्कुल सुन, मैं उससे पहले भी एक आध सुनाऊंगा कविता आपको। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद फिर हम ऑडियंस। हाँ, वो एक तरह से आप समझिए कि वो उसका उसकी पृष्ठभूमि मान लीजिएगा उसको चाहे तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रघुवीर शाह की एक बहुत प्रसिद्ध कविता है, हंसो तुम पर निगाह रखी जा रही है, वो कविता मैंने छापी थी एक चिसी। अच्छा। नाम की पत्रिका में निकालता था, ये बैकग्राउंड है उसका, मेरी कविता का भी तो मैंने प्रकाशित की थी चिति में, उनका बड़ा स्नेह था मुझ पर, तो उन्होंने कविता मुझे दी छापने में। तो फिर उस कविता पर कोई 20-25 पेज का एक लंबा इंटरव्यू उसी एक कविता पर लूठा लोच्छे ने रघुवीर शाह का किया था, वो इतनी महत्वपूर्ण कविता है। उस कविता का संदर्भ है इसमें, शुरुआत बाकी फिर कविता है जी। क्या करूंगा रघुवीर जी, हंसो तुम पर निगाह रखी जा रही है, चेताया था आपने मुझे, हंसो तुम पर निगाह रखी, इमरजेंसी से कुछ अर्सा पहले की थी, हंसो तुम पर निगाह रखी जा रही है, चेताया था आपने मुझे, और रोते रोते मैं रघुवीर जी हंसने लगा था डर के मारे, क्या करूं, लेकिन बीच बीच में फूटी आती रुलाई, क्रोध भी कभी कितना भी जब्त करूं चाहे, आपकी चेतावनी पर याद कर हंसने लगता हूं फिर, इसी तरह हंसते हंसते रोता हूं, रोते रोते हंसता रहता हूं, अब उन्हें तो क्या मुझे खुद नहीं है मालूम, रो रहा या हंस रहा हूं मैं, समझते हैं वे पागल हो गया शायद, क्या करूंगा रघुवीर जी, लेकिन कहीं रखते हो पागलों पर भी निगाह जो वे, क्या करूंगा रघुवीर जी, लेकिन कहीं रखते हो पागलों पर भी निगाह जो वे, और एक ही कविता है, गूंगा हो जाना चाहता है शब्द जी, गूंगा हो जाना चाहता है शब्द, नहीं तो भला कह पाएगा कैसे इन जुल्मतों को वह, क्या नाम हो उसका, दुनिया छाली है जुल्मतों ने जो, गूंगा होकर ही अब हो पाएगा शब्द कहानी जुल्मतों की मुझ में व्याप्त। और अब जो कविता आप कह रहे थे वो सुन लेता हूं, ये 4-6 कविताएं थी तो उसमें से मैं 2 कविताएं पढ़ देता जी, हूं जी, तो, जी। ये है मरण वक्तव्य, डाइंग डिक्लेरेशन से कहते हैं, अदालत में पेश किया जाता है बाद में। जी जी। मरण वक्तव्य 1, ये कोरोना के पीरियड में लिखी गई थी जब सब कुछ रहा था। भाई भाई नहीं माफ करें मिलॉर्ड, भाई नहीं माफ करें मिलॉर्ड, भूल से कह गया भाई, सुना था भाई भुजा होता है, आप तो प्रभु हैं मिलॉर्ड, सुना मिलॉर्ड मैं अपने पूरे होशो हवास में दे रहा हूं यह मरण वक्तव्य, हाँ हाँ वही डाइंग डिक्लेरेशन, होश तो तब कुछ गड़बड़ था जब भरोसा था मुझे उन पर, होश तो तब कुछ गड़बड़ था जब भरोसा था मुझे उन पर, उन्हीं की मेहरबानी ने अब दुरुस्त कर दिए मेरे होश, कृतज्ञ हूं उनका,
मुझे मालूम है सिर्फ रे कुछ तोहमत लगाएंगे, कहीं हवा के कहीं दवा के नहीं होने की, हत्या कहेंगे भी इसे। कृतज्ञता लेकिन तोहमत नहीं लगाती, जानते हैं आप, और मैं कृतज्ञ हूं उनका होश में लाने के लिए उसको। हुजूर मेरी मौत तो खुदकुशी है दरअसल, जब हवा ही हवा है सब और, फिर भी सांस नहीं ले पाया तो यह दोष मेरे फेफड़ों का है। अपने धर्म पालन में जो खुद ही हो गए नाकाम, नहीं दवा को लेकर भी सब बेकार है हल्ला। मुझ नाकारा पर अनुत्पादक खर्च, अच्छा मिल भी जाती तो क्या कर लेती दवा, घिसटना ही जब जीवन है। अच्छा मिल भी जाती तो क्या कर लेती दवा, घिसटना ही जब जीवन है। आप तो जानते हैं सब, आपकी फटकार भी आखिर क्या कर पाती है, शर्म ही नहीं बची हो जहां। उनका भी अब क्या कसूर है भला, वे तो लगे थे हवा बांधने में। उनका भी अब क्या कसूर है भला, वे तो लगे थे हवा बांधने में, अब हवा कोई रोशनी तो नहीं, बदी पड़ी है जो तहखानों में उनके। नींद अच्छी आती है अंधेरे में, रोशनी जगा दीजो करीब मुझको। इसलिए खुली हवा को मेरी सांसों में घुलना ही था, फेफड़ों ने अगर निभाया होता धर्म, मेरा भी चौड़ा हो जाता सीना। आप बेवजह परेशान न हो मिलोर, मेरी खुद की गवाही के बिना पर खुदकुशी ही मान ले इसको, अपने भरोसे का दोषी मैं खुद हूं। क्या करेंगे जानकर संख्या, क्या करेंगे जानकर संख्या मुझ जैसे मृतकों की, और कारणों की तलाश का अर्थ ही क्या है, जीने के कारणों की जब नहीं चिंता रही कोई। रक्तदाब में गड़बड़ करती है परेशानी, इसलिए भूल जाए मुझे, मेरे जैसे सबको आराम बड़ी चीज है, मुंह ढककर सो जाए। क्या बात। और एक ये कन्फेशन, पाप स्वीकरण जी। शुक्रिया फादर, चाहे तो हटा दे पर्दा, पाप स्वीकार है जब मुझे, चेहरा क्या छुपाना था। निर्दोष से हुआ जानता हूं मैं, सच सदा ही निर्दोष होता है, न सही कानूनी चाहे। निर्दोष से वह जानता हूं मैं, सच सदा ही निर्दोष होता है, न सही कानूनी चाहे। मुझमें ही नहीं है जिगरा खड़ा होने का उसके साथ, पता नहीं क्या होता है इंसाफ, वे कानून जानते हैं बस, जिसके मालिक वे खुद हैं। ईश्वर का सबसे प्यारा बेटा जब सलीब पर कीलित हुआ, पाप था वह तो भी क्या, बात तो कानूनन थी। आप और हम अच्छे शहरी पाप से नहीं डरते, डरते हैं केवल कानून से उनके। कानून से क्या जाने, खुद में ही बसे हुए डर से। पिता से मांगी क्षमा जो उसने, वो काम के लिए ही थी वह बस, या हमारे लिए भी थी। देखते रहना यूं चुपचाप सलीब पर चढ़े हक को रक्त बहते हुए, या जिंदा जलते रहना उसका, क्या नहीं था वह पाप। आज भी क्षमा मांगनी होगी फिर उसको मेरे लिए, जो नहीं हो सका खड़ा हक के साथ। अभी भी घावों से उसके बहता जा रहा है रक्त, सिर्फ देह के नहीं आत्मा के घावों से भी। आखिर कब तक क्षमा मांगता रहेगा वही हो मेरे लिए, मुझ डरपोक की खातिर। अच्छे से जानता है तो न केवल डरना पाप होता है, पापी से ही डरते रहते हैं हम। नहीं इस बार क्षमा मत कर देना मुझको प्रभु, निर्भय कर देना बस। क्या बात। आखिरी छोटी सी चार छह पंक्तियों का जी जी बिल्कुल आत्मकथा जी। हाँ जानता हूँ आत्मकथा लिखने के दिन है अब, मैं जानता हूँ आत्मकथा लिखने के दिन है अब, पर लिखूंगा क्या, जिया ही नहीं अपना आत्म जब मैंने। लिखूंगा जो कथा होगी वह पल पल तिल तिल क्षण की मेरे। धन्यवाद। क्या बात है, वाह। मैं ये ऑडियंस के सवाल
जो है मैं आपसे एक एक करके पूछूंगा। जरूर जरूर। एक सवाल महेश पुनेठा जी का है, जी। वो कह रहे हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में एक ओर बात बात में प्रतियोगिता और पुरस्कार का उल्लेख होता है, दूसरी ओर सहयोग और सामाजिकता के मूल्य की आकांक्षा की जाती है, क्या आपको यह अंतर विरोधी बातें नहीं लगती? है ही अंतर विरोध, तो स्पष्ट अंतर विरोध है। समाज सहकार पे चलता है, प्रतियोगिता पे नहीं। प्रतियोगिता में पछाड़ने का सुख होता है, आपने किसी को पछाड़ा और आपने सफलता प्राप्त की, तो ये एक तरह की हिंसक संरचना है जिसमें आप अन्य से अपने को श्रेष्ठ साबित करते हैं, जबकि समाज में सहकार ही, सहयोग ही पूरे समाज के विकास का आधार रहा है। ये प्रतियोगिता जो है एक पूंजीवादी व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था में भी होती थी, ये कहीं कहीं सामान्य लोगों से कुछ लोगों को अलग करने की समझिए कि परियोजना है, तो उसके कारण से तो मैं सहमत हूँ इस बात से। मैं तो हमेशा, मैंने अपनी हर किताब में ये बात लिखी है कि समाज सही, और गांधी का यही कहना है कि पूरा इतिहास दरअसल मनुष्य का सहयोग का इतिहास है, उसमें जब बाधा पैदा होती तब हम उसको इतिहास कह देते हैं, मतलब जहाँ वो सहयोग टूटता है और संघर्ष पैदा होता है तब हम कह देते हैं कि इतिहास है, वास्तव में इतिहास वो नहीं है, क्योंकि अगर दुनिया सहयोग पे नहीं होती तो नष्ट हो गई होती। क्या बात है, वाह बहुत बढ़िया सर। ये उत्कर्ष अग्निहोत्री जी का सवाल है, कविता रचते समय बहुत से उपादान उसमें रचनाकार के भी जुड़ते हैं, लेकिन उसमें क्या ऐसा रह जाता है जो उसे कविता बना देता है और स्मरणीय भी, क्या चीज है जो कविता को कविता बना देती है? कविता को कविता बनाती है शब्द की मार्मिकता में प्रवेश। मैं ये मानता हूं कि हर कलाकृति में एक मार्मिकता होती है, होनी चाहिए, और वही उस कविता को स्मरणीय बनाती है, वही उस कविता को पढ़ने लायक बनाती है, और वही उस कविता को संप्रेषणीय बनाती है। और ये मार्मिकता कथन में नहीं होती है, ये अनुभूति के संप्रेषण में होती है, उसको कथन की तरह से एक विचार की तरह से प्रस्तुत करने में नहीं होती है। उसको आप एक अनुभूति की तरह से प्रस्तुत करते हैं तो वो छूती है आपके पाठक के मन को, और आप भी उस अनुभूति में से स्वयं गुजरे होते हैं तभी वैसा लिख पाते, नहीं तो फिर विचारों को कविता के ढांचे में प्रस्तुत करते रहते हैं, या जो सामने दिखाई देता है उसको एज इट इज प्रस्तुत करते रहते हैं। आपको प्रत्येक चीज के मर्म में प्रवेश करना होता है हर कलाकृति में, कविता में ही नहीं। जैसे संगीत में भी आप सुरों के मर्म में प्रवेश करते हैं तब संगीत बनता है, केवल उनके संयोजन से नहीं बन जाता है, तो कोई भी कर सकता है। क्या बात, एक बड़े संगीतकार में, गायक में या वादक में, और एक सामान्य जो स्कूलों में पढ़ाते लिखाते सिखाते, वो भी संगीत तो जानती है, व्याकरण सब जानते हैं संगीत का जी। पर वो क्यों नहीं कर, क्योंकि उनके वो उसको एक ट्रेनिंग तो ले दे सकते हैं उसकी, पर उसके मर्म में प्रवेश करने की जो समझिए कि आकांक्षा सामर्थ्य, तो बाद में पहले तो आकांक्षा तो होनी चाहिए ना जी। तो ये मानते हैं सब तो हमारे ये एक प्रकार का औजार है, वो तो उपकरण है हमारे। मैं ये मानता हूं कि शब्द हमारे उपकरण नहीं है, हम उनके उपकरण हैं। जो जो अनुभूति उनमें है उसको उसको बाहर निकालने के इंस्ट्रूमेंट है हम। क्या कभी जो है बहुत गहरी बात है सर, वाह। अगर अगर ये मैं कुछ कह पाया हूं तो क्या बात है, बहुत अच्छा सर। ये अभी ये मेरा सवाल है, अंतिम सवाल है कि जो अभी आपने कविता सुनाई कि आत्मकथा वाली, कि आत्म को जिया नहीं, मैं चाहता हूं कि आप इसको थोड़ा सा खोलें कि ये जीवन जीने के बाद भी आत्म को न जीने की ये जो अनुभूति है, ये कहां से आती है, क्या है ये आत्म को न जीना? हर आदमी अगर अपने बारे में सोचेगा तो ये पाएगा, पा सकता है, सबके बारे में तो नहीं कहता, अधिकांश लोग पा सकते हैं कि वो जो जीते रहे उस अपने को खोकर जीते रहे, अपने होकर नहीं जिए। यानी कभी धंधे के लिए जिए हैं, कभी सामान्य इंद्रिक सुखों के लिए जिए हैं, क्या बात, तो ये सब ऊपरी जीना है। आप देखिए, हम आजकल अपने साथ अकेले रहने के आदि नहीं रह गए। अगर कुछ देर के लिए अकेले रहते तो बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि तो अकेले में आदमी को अपने से थोड़ा साक्षात्कार होता है, करना पड़ जाता है,
उसका खतरा रहता है, उस खतरे में हम जाना नहीं चाहते, इसलिए लगातार कुछ न कुछ करते रहना चाहते, चाहे मनोरंजन के लिए टीवी देख लो, फिल्म देख लो, ये कर लो, वो कर लो, कहीं बैठ लो, मतलब कुछ अपने से अपने अंदर ना जाना पड़े। अपने अंदर जाए बिना आत्म नहीं जिया जाता, क्या बात, और अपने अंदर अन्य को लिए बिना भी आत्म नहीं जिया जाता। अन्य, मैंने एक जगह पर सत्याग्रह की बारे में लिखते हुए लिखा है जी, सत्याग्रह की संस्कृति नामक पुस्तक की भूमिका में, कि सत्याग्रह जो है वास्तव में उसकी जो प्रक्रिया है वो केवल किसी मांग को बनवाने वगैरह तो ठीक है, वो तो बहुत स्थूल चीज है उसके पीछे जी। मूल जो प्रक्रिया है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण परिणाम होता है अन्य रूपी आत्मा और स्वरूपी आत्मा में अद्वैत स्थापित करना। सर इसको फिर से समझाना पड़ेगा आपको। अन्य रूपी आत्मा और स्वरूपी आत्मा ये अलग अलग नहीं है, अन्य में भी आत्मा है, वो मेरा ही आत्मा है, उसका एक रूप दूसरा है, अन्य दिखाई देता है, और मेरा स्व में जो आत्मा है वो तो है ही है। तो ये जब तक मैं इस चीज को महसूस नहीं करता हूं तब तक मैं आत्मा को कहाँ जी रहा हूं, तब तक मैं बहुत ही सीमित आत्मा को जी रहा हूं, और उस आत्मा को जी रहा हूं जो केवल स्थूल चीजों में से लिपटा हुआ है। अगर वैसे ही जीवन हम लोग सब वैसे ही जीवन जी रहे, केवल आंतरिक जीवन जी रहे। हर्बर्ट मार्क्यूज ने बहुत अच्छी बात कही थी जी, उसने कहा हम लोग एक समृद्धि के नरक में रह रहे हैं, पश्चिम के बारे में कह रहे हैं, हम लोग समृद्धि के नरक में रह रहे हैं। क्यों रहे हैं? क्योंकि हमने अपनी आत्मा के चेतना के क्रांतिकारी आयाम खो दिए, अब हम केवल इंद्रिय अस्तित्व होकर गए। तो अगर मनुष्य केवल इंद्रिय अस्तित्व तो उसमें और एक अन्य पशु में क्या फर्क है, वो भी एक होमो सेपियन जाति का पशु है, अलग तरह का मतलब पशु हो गया, वो उसकी चेतना उसकी संवेदना यही तो उसका आत्मा है। एक बहुत अंत में एक शेर सुना देता हूँ जिगर मुरादाबादी का। जी जी सर जी सर जी, जो इस बात को थोड़ा सा जी जी पुस्तक कहता है जी, वरना क्या था एक धरती भी अन्ना सिर के सिवा, पंचभूतों को जी जी मिलन के अलावा, मतलब ठीक है मिल गया, जीवन पैदा हो गया। चकबस ने कहा कि ये जिंदगी क्या है अनासुर में जहूरे तरतीब, मौत क्या है जहूरे तरतीब है, और वो उसका बाकी बिखर जाना। लेकिन मैं वो तो एक दार्शनिक किस्म का शेर हो गया, पर पोएटिक शेर जो है वो जिगर का है कि वरना क्या था एक तरतीब अनासुर के सिवा, खास कुछ बेताबियों का नाम इंसाफ हो गया। क्या बात, वाह। तो ये जो बेताबी है ना, किस बात की बेताबी जी, और वो जो आत्म को जीने की छटपटाहट है शायद उसी के लिए गालिब ने लिखा था कि रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई ना हो। यही बेताबी है, ये वो आत्म को जीने की छटपटाहट ही वास्तविक बेताबी होती है जी। वो गालिब कहते हैं कि रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई ना हो, कोई ना हो। तो सर बहुत शुक्रिया, बातचीत करते हुए ये एहसास लगातार बना रहा कि एक किस्म की समृद्धि खुद के अंदर महसूस होती रही, और ऐसा बहुत कम बार होता है, वरना इंटरव्यू लेते हुए इंटरव्यू पर ज़्यादा ध्यान रहता है, लेकिन यहाँ इंटरव्यू को भूल भाल कर जो आप कह रहे थे उसके असर में खुद को उतारने की प्रक्रिया एक सूत्रधार के बतौर मेरी भी थी, और मुझे लगता है कि जो लोग आपको सुन रहे थे उन्होंने भी ये महसूस किया होगा। तो सर बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने इतना समय निकाला मेरे लिए, और मित्रों के सामने मैं अपनी बात कह पाया, बहुत से मित्रों ने सुनी होगी और लोगों ने सुनी होगी, और मैं चाहूंगा कि अगर उनको कुछ और सवाल उनको तो कभी लिख के भी मुझसे पूछ सकते हैं। जी जी, अगर किसी के और सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, और अगली बार अगली नई धारा संवाद की अगली कड़ी में जो कि 5 सितंबर को रविवार को होगी, उसमें आरती जैन जी जो सूत्रधार हैं उनके साथ होंगी वरिष्ठ लेखिका चंद्रकांता जी। तो आप सब इस एपिसोड को सुने 5 सितंबर रविवार शाम 7:08 बजे नई धारा संवाद की अगली कड़ी, और अभी के लिए हमें इजाजत दीजिए और मिलते हैं किसी और एपिसोड में। शुक्रिया।